press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आगे एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन नंबर जो आगे है रिमेनिंग 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रूव दैट पॉइंट्स ए ए माइनस ए ए एंड माइनस रूट थ्री ए और रूट थ्री ए आर द वर्टेक्सिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड ये जो तीनों बिंदु है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से ही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको इसको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, तो समबाहु त्रिभुज की क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि उसकी जो तीनों भुजाएं होती है कि उसकी थ्री साइड आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर आप उसकी जो तीनों दूरियां हैं त्रिभुज के अंदर ए बी बी सी और ए सी, ये अगर आप तीनों बराबर कर दो तो ये समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दूरी सूत्र के अंदर ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और एक बार ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप इनको ए बी और सी नाम दिया है, तो आप लिख दोगे पॉइंट्स ए, इसको बी नाम दे दिए और इसको सी, आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल। अभी ये सिर्फ ट्राइंगल के हैं, अगर दूरी बराबर आ जाएगी उसके बाद आप लास्ट में लिख दोगे ये जो तीनों शीर्ष आपने जिस त्रिभुज के बनाए थे वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अपने इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन के अंदर आप लिख दोगे द पॉइंट्स ए ए ए कोमा बी है अपने पास, बी है माइनस ए एंड सी माइनस रूट थ्री ए रूट थ्री ए आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे इसको अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे आप सबसे पहले, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले अपन ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ए बी डिस्टेंस के अंदर ये रूट के अंदर लेकर आना है, तो ए बी के लिए ये दोनों एक्स वन वाई वन है और ये दोनों एक्स टू वाई टू है। तो देखो ए में से ये माइनस ए सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए और माइनस आगे वाला साइन माइनस का होगा, तो ये प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस ए में से फिर ये माइनस ए सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब ए और ए मिलके हो गया टू ए का होल स्क्वायर, प्लस ए और ए मिलके हो गया टू ए का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो टू ए का होल स्क्वायर होता है फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर हो गया एट ए स्क्वायर का रूट। आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाना चाहो तो एट का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है टू रूट टू और ए स्क्वायर का हो गया ए, क्योंकि एट को आप ऐसे लिखते हो कि टू इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ पे जो ये दो डिजिट है टू इंटू टू, इसका जो पेयर बन गया है तो इससे एक बार आ जाएगा टू और ये रूट टू अंदर रहेगा, क्योंकि इस टू ने दूसरा अपना पेयर नहीं बनाया है। तो एट का जो स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल होता है वो टू रूट टू और ये ए स्क्वायर का हो गया ए। ये डिस्टेंस आ गई आपके पास ए बी। अब अगर बी सी और ए सी डिस्टेंस भी ये आ जाए सेम, तो वो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल सिद्ध हो जाएगा। अब अपन डिस्टेंस निकालते हैं बी सी, तो बी सी के लिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, बी वाले कोऑर्डिनेट में से सी वाले माइनस करते हो, सी में से बी वाले, तो यहाँ पे आपको कौन सा सब्ट्रैक्ट करना आसान रहेगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ अगर माइनस ए में से ये माइनस रूट थ्री ए करेंगे तो ये माइनस और ये बीच में प्लस वाला साइन आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाले में माइनस है और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो उसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन ही माइनस हो जाएंगे। ऐसे माइनस का जैसे ए और माइनस का मान लो रूट थ्री ए है, तो इस तरह से दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तो फिर इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साइन की मिस्टेक कर सकते हो, अगर एक भी दोनों में पॉजिटिव होता है तब आप दोनों में ए माइनस बी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब सभी की तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ एक की हो जाती है तो उससे वो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप इसको सी में से जब बी वाले सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक माइनस और एक प्लस का आएगा, इसको भी आप कर सकते हो। इन दोनों से आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वन का जो स्क्वायर है वो प्लस का बन हो जाएगा, तो ये दोनों ही किसके बन जाएंगे फिर प्लस के बन जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। तो अपन बी सी डिस्टेंस निकालते हैं,
तो b में से c वाली करो, तो c में से b वाली सब्ट्रैक्ट करो, मैं c में से b वाली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो माइनस रूट थ्री ए में से माइनस ए सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस रूट थ्री ए में से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का ए, तो ये बीच में हो जाएगा प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस रूट थ्री ए में से माइनस ए सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा रूट थ्री ए और ये माइनस का ए है, तो ये हो जाएगा प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो a माइनस बी का स्क्वायर लगा दीजिए आप, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो a की जगह जैसे a है और b की जगह ये माइनस रूट थ्री ए है, तो आप इसको चेंज करके भी कर सकते हो, ऐसे a पहले लिख सकते हो बाद में माइनस रूट थ्री ए, या एज इट इज आप कर सकते हो। तो पहला रूट थ्री ए का स्क्वायर होगा, तो रूट थ्री ए का स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि रूट थ्री ए का स्क्वायर क्या होता है थ्री ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद में a का स्क्वायर, फिर माइनस का होगा, ये डबल करोगे तो माइनस का टू रूट थ्री, टू रूट थ्री हो गया, और a का जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया a स्क्वायर, ये तो आएगा माइनस में। अब आगे वाले क्या करेंगे तो प्लस, ये सेम का सेम है यहाँ पे, तो ये रूट थ्री a का स्क्वायर, आगे वाले में फिर प्लस a का स्क्वायर, फिर प्लस डबल करोगे तो टू रूट थ्री और a का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, रूट थ्री ए का स्क्वायर क्या होता है थ्री ए स्क्वायर होता है, आगे ये ए का स्क्वायर है प्लस रूट थ्री ए का स्क्वायर क्या होता है थ्री ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो ये टोटल ए स्क्वायर कितने हो गए हैं थ्री वन फोर, थ्री सेवन और वन है एट ए स्क्वायर, तो एट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो टू रूट टू ए, ये आपके पास आ गए डिस्टेंस बी सी। इसी तरह से आप डिस्टेंस निकालोगे ए सी, तो ए सी के अंदर ए में से सी वाले सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों में ये माइनस का है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ए में से माइनस रूट थ्री ए सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए माइनस ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस रूट थ्री ए का स्क्वायर, आगे प्लस a में से रूट थ्री ए का स्क्वायर a माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, तो ये और ये सेम हो गया, क्योंकि इसमें भी एक प्लस का और एक माइनस का था, तो ये दोनों प्लस के और ये दोनों इनमें ये एक माइनस का है, तो ये सेम का सेम यहाँ पर आप जो स्क्वायर किया था a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर इस रूट थ्री ए का करोगे तो थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, डबल करोगे दोनों का तो टू रूट थ्री, टू रूट थ्री ए स्क्वायर हो गया, आगे प्लस इसका करोगे तो ए स्क्वायर इस रूट थ्री ए का करोगे तो थ्री ए स्क्वायर, डबल करोगे तो माइनस टू रूट थ्री ए स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पर भी ये टू रूट थ्री ए स्क्वायर और ये माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गए, ये टोटल जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा एट ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये होता है टू रूट टू ए। तो आपके पास एसी डिस्टेंस भी आ गई है टू रूट टू ए। अब आप लिख दोगे सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू टू रूट टू ए, तो ये डिस्टेंस है ये तीनों और तीनों ये इक्वल है, तो आप लिख दोगे सो द पॉइंट्स, ये ए बी और सी है जिम किया था, तो पॉइंट्स आर वर्टेक्सिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अतः बिंदु ये ए बी और सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो सो द पॉइंट्स ए को आपने लिया था ये ए कोमा ए, दूसरा बी है वो माइनस ए और तीसरा सी है माइनस रूट थ्री ए कोमा रूट थ्री ए, आर द वर्टेक्सिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिंदु ए बी और सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो। तो इस तरह से बने क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों देगा क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टेक करने वाले हैं ये माइनस और प्लस के साइन के अंदर करेंगे, अदरवाइज ये रूट थ्री ए का स्क्वायर, तो इस टाइप से जो ट्रिकली क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जब क्वेश्चन आए तो तीन नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। नंबर टेन, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 1 माइनस 2 7 एंड 3 माइनस 3 आर कोलिनियर, ये कह रहा है कि ये तीनों जो बिंदु दे रखे हैं ये संरेख है, ये सिद्ध करना है, तो इसको अपन दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। एक तो अगर संरेख है, ये तीन बिंदु अगर जैसे ए ये बी और ये सी, ये तीन बिंदु अगर संरेख है तो ये तीनों बिंदुओं में से
दो दूरियों का जो योग है वो तीसरी दूरी के बराबर आएगा। जैसे ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो एसी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो कोई भी दो दूरियों का योग, अब यहाँ पर अपने को ये पता नहीं है कौन सा पॉइंट, जैसे ए बी सी इसको लेते हैं तो कौन सा मिडल में रहेगा, कौन सा दोनों जो किनारों पे रहेगा, क्योंकि आप डिस्टेंस निकालने के बाद ही आपको मालूम होगा कि इन दो डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे के इक्वल आए। तो यहाँ पे और एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना होता है, जिसमें आपको उस दोनों में आप ये ध्यान दो कि अगर जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो दो जो डिस्टेंस है उनके स्क्वेयर का सम तीसरे के स्क्वेयर के इक्वल आता है, और जब कोलिनियर या सहरेख प्रूव करना है आपको तो दो दूरियों का योग है वो तीसरी दूरी के बराबर आएगा, उनके स्क्वेयर का योग नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक इसका दूसरा मेथड है कि अगर तीनों बिंदु सहरेख है तो इनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा तो उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो 0 होगा। तो उससे क्या है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो अपन वो वाला पैटर्न यहाँ पे लगाते हैं, या तो आप तीनों दूरियां निकाल लो इसमें ए बी बी सी और ए सी, या आप डायरेक्ट इनके द्वारा जो, क्योंकि अगर तीन बिंदु एक ही लाइन में है तो ये कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे। अगर तीनों बिंदु अलग अलग इस प्लेन के अंदर एक ही लाइन के अंदर नहीं है तो उन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है, और एक ही लाइन में होती है तो उनके द्वारा कोई भी ट्राइंगल नहीं बना सकते आप। तो ये क्वेश्चन अपन इस ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक मिसलेनियस में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोलिनियर दे रखा है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसमें अपन ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन भी उस ट्राइंगल वाले एरिए से करते हैं। तो आप यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को ए बी सी से डिनोट कर दोगे। लेट द पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट है -2 7 है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो ले लिए 3 -3। तो इन तीनों का जो पॉइंट है इनके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल आपको 0 सिद्ध करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे आप यहाँ पे फॉर्मूला, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका जो सूत्र है, उसका ये सूत्र है कोऑर्डिनेट के अंदर की 1/2। अब उसको आपको ट्रिक से याद रखना है, क्योंकि एक भी इसमें मिस्टेक कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के बाहर तो एक्स वाले लिखने हैं, ये एक्स वन लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर दूसरा एक्स टू लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर है वो तीसरा लिख दिया एक्स थ्री। अब ब्रैकेट के बाहर तो आपको तीनों एक्स वाले लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 x के कोऑर्डिनेट और 3 y के कोऑर्डिनेट है। ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ 1 है तो उनका जो सीरीज है वो आपको सेम रखना है, 1 के बाद में 2 3 ऐसे सीक्वेंस रखना है। तो y1 - y2 देखो 1 x1 है तो यहाँ पे y2 - y3 होगा, x2 है देखो ये 1 2 3 है तो यहाँ 2 के बाद कौन आएगा, 3 और 1 आएगा, तो y3 - y1 होगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद में 1 और 2, तो y1 - y2। इस तरह से आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ये सीक्वेंस है, ये इस सीरीज में रहना चाहिए, 1 2 3 बोलो चाहे 2 3 1 को, चाहे 3 के बाद 1 2 को, तो ये सीरीज रहनी चाहिए इसका। अब आपको यहाँ पे इन तीनों की जो वैल्यू है वो अगर आपको मालूम है तो इनमें आप पुट कर दो, और ये तीनों वैल्यू ए बी और सी से आएगी। तो अगर आपको इनमें ध्यान नहीं पड़ता है तो उसको आप ऐसे कॉलम में बना करके उसमें लिख सकते हो कि कौन x1 है, देखो ये दोनों x1 y1 है, x1 की वैल्यू है 1 और y1 की जो वैल्यू है वो है 1, x2 की वैल्यू जो है -2, y2 की वैल्यू है 7, x3 की वैल्यू है 3 और y3 की वैल्यू है -3। तो ये वैल्यू आप ऐसे साइड में लिख सकते हो जिससे आप इस फॉर्मूले में पुट कर सको। अब यहाँ पे आपको पुट करना है तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद में y2 - y3 तो y2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस y3 करेंगे तो ये -3 है तो ये हो जाएगा +3, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आगे प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2 है तो इसलिए आप यहाँ पे -3 लगाओगे, उसके बाद में y3 - y1 y3 की वैल्यू कितनी है -3, y1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का ही है, उसके बाद में x3 तो x3 की वैल्यू कितनी है 3,
तो y1 वन माइनस वाई टू, तो y1 की वैल्यू है 1 माइनस वाई टू, वाई टू की वैल्यू कितनी है 7। अब 1 अपॉन 2 ये 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, माइनस 3 और माइनस 1 हो जाएगा ये माइनस का 4, माइनस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 ये 10 और 8 18 माइनस 18, तो 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से हो रहा है, तो कितना आ गया 0 आ गया। तब आप यहां पे लिख दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आर 0, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर 0, सो द पॉइंट्स 1 1, ये ए था, बी है माइनस 2 7 एंड सी 3 माइनस 3 आर कोलिनियर, तीनों जो बिंदु है वो संरेख है, अतः बिंदु ए बी व सी संरेखीय बिंदु है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, अगर आप डिस्टेंस निकाल के करते हो तो फिर वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस, तो कोई भी दो का सम, इसमें आप डिस्टेंस निकालोगे तो ऐसा आएगा, एक तो आएगा 2√5 आएगा, एक आएगा 3√5 आएगा और एक आएगा 5√5, तो देखो 2√5 और 3√5 का सम करोगे तो ये 5√5 होता है, तो दो डिस्टेंस का सम है वो तीसरे के इक्वल है, तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, तो आप उस कंडीशन में ये लिखोगे वहां पे। तो ये क्वेश्चन अपन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रिक से करेंगे, ये आपको फॉर्मूला ध्यान से देखना है। आगे जो अभी पीछे क्वेश्चन किया है उसी तरह का विविध मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है लेकिन तीन में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहां पर कह रहा है कि पॉइंट्स 1 2 -1x एंड 2 3 आर कोलिनियर, ये जो तीनों बिंदु है ये संरेखीय है, तब आप इस x का मान ज्ञात करो। तो अभी जो मैंने बताया था अगर आपको तीनों बिंदु संरेखीय सिद्ध करना है तो आप उनके द्वारा निर्मित जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 सिद्ध करो। इसने यहाँ पे ये तीनों बिंदु संरेखीय दे रखे हैं, तो आप कहोगे अगर ये संरेखीय है तो इनके द्वारा जो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 0 होगा। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तो आप इन तीनों पॉइंट को लिखोगे कि जो गिवन क्या है कि पॉइंट a 1 2 b -1 x एंड c 2 3 आर कोलिनियर, कि ये a b और c तीनों बिंदु संरेखीय है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, कि जो इन तीनों के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उनका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा 0 होगा। तो आप यहां पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो फॉर्मूला याद रखना है अच्छी तरह से कि 1 अपॉन 2 x1, तो y2 - y3 + x2 लगाते हो तो y3 - y1 + x3 होता है, तो y1 - y2 और इज इक्वल्स टू, में यहाँ पे आप 0 इक्वल टू में लिखोगे। अगर ये सिद्ध करना होता कि तीनों बिंदु संरेखीय है तब आपको 0 आंसर लेकर आना था। अब इसके अंदर x1 y1 x2 y2 इनकी जो वैल्यू है वो क्या है कि x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 की वैल्यू 2, अब x2 की वैल्यू कितनी है -1 है, y2 की वैल्यू कितनी है x है, x3 की वैल्यू कितनी है 2 और y3 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 अपॉन 2 x1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी है x माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 करेंगे तो x2 की वैल्यू है माइनस का 1 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 y3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू 2 आगे प्लस x3 तो x3 की वैल्यू कितनी है प्लस का ये 2 है y1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y2 की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू में 0। अब ये 1 अपॉन 2 इधर जाता है तो ये अपॉन में जाने के बाद ये 0 बना देगा
यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करोगे तो ये x माइनस 3 आएगा माइनस, अब 3 माइनस 2 करोगे तो ये 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, आगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो प्लस का 4, 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ये x में से माइनस 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस x बचेगा, ये माइनस 3 और माइनस 1 हो गया माइनस का 4 और आगे प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0, इस 4 से ये 4 कैंसिल तो माइनस एक्स इज इक्वल टू में 0, एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x का मान आ जाएगा 0। एग्जाम में ये चेंज करके भी दे सकता है, इस x की जगह वो 0 लिख करके कह देगा कि ये सिद्ध करो कि ये तीनों बिंदु है ये संरेखीय।